चुनाव में भले ही मिल गई हो हार, लेकिन हारने के बाद भी कद ऐसा दमदार। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी के बड़े चेहरे की, यानी नरोत्तम मिश्रा की। चुनाव में हार मिल गई, लेकिन आलाकमान लगातार इस बात के संकेत देता है कि नरोत्तम मिश्रा पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, या यूं कहूं कि नरोत्तम मिश्रा का जलवा बरकरार है। एक बार फिर वो तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां नरोत्तम मिश्रा का कद जो है वो दमदार नजर आया, जलवा बरकरार नजर आया। अमित शाह मध्य प्रदेश आए तो एयरपोर्ट की तस्वीर सामने आई पहले, जहां सबसे आगे नरोत्तम मिश्रा खड़े थे। नरोत्तम मिश्रा को देखकर अमित शाह की मुस्कुराहट भी नजर आई, और उसके बाद मंच पर भी साथ में नरोत्तम मिश्रा ही नजर आए। हालांकि कार्यक्रम में सीएम भी मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे, लेकिन उन तमाम लोगों की मौजूदगी में मैं कह रहा हूँ कि एक हारे हुए नेता, पूर्व गृह मंत्री, पार्टी की नजर में अभी भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। मंच पे अग्रिम पंक्ति में नरोत्तम मिश्रा नजर आए, सीएम मोहन यादव के बराबर में नरोत्तम मिश्रा दिखे अमित शाह के साथ। इसके मायने भी हैं मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर। बीजेपी दरअसल नरोत्तम मिश्रा की उपयोगिता जानती है। नरोत्तम मिश्रा पार्टी के लिए पहले भी कई बार कारगर साबित हुए हैं। यही वजह है कि नरोत्तम मिश्रा को हारने के बाद कम आंकने वाले शायद ये भूल गए कि सरकार बीजेपी की है, आलाकमान ने मन पसंदीदा मुख्यमंत्री बनाया है। आलाकमान नरोत्तम मिश्रा को लेकर कुछ और ही सोच रहा है। नरोत्तम मिश्रा को क्लस्टर हेड बनाया गया, सागर संभाग की जिम्मेदारी दी गई। खजुराहो इसलिए भी पहुंचे क्योंकि वहां पर मंथन भी था। क्लस्टर को लेकर जो क्लस्टर प्रभारी है उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर। इतना ही नहीं, बीच बीच में कई ऐसी स्थितियां आती हैं जहां दिखता है शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि नरोत्तम मिश्रा के अलावा कोई ऐसा बड़ा नेता रहा हो जिससे हारने के बाद भी तमाम दिग्गज मिलने पहुंचे, वो भी तस्वीरें हमने दिखाई है। दरअसल पार्टी जो है दूरगामी दृष्टिकोण से नरोत्तम मिश्रा को लेकर शायद कोई अहम फैसला लेगी। नरोत्तम मिश्रा चुनाव के हार गणित से ज़्यादा बीजेपी के एक बड़े चेहरे, बीजेपी के लिए वो बहुत ही कारगर सिद्ध हुए हैं कई मौक़ों पर, और पार्टी जानती है कि नरोत्तम मिश्रा जो है नरोत्तम मिश्रा की संगठन में भी उतनी पकड़ है जितना वो सरकार में रहते हुए, गृह मंत्री रहते हुए नजर आए थे। हालांकि चुनाव में हार मिली, हार के बाद जाहिर सी बात है सियासत में गणित लगते हैं, कद को आंका जाता है, लेकिन यहां पर स्थिति कुछ और अलग है। नरोत्तम मिश्रा हारने के बाद भी दमदार ही नजर आ रहे हैं। आप देखते रहेंगे।